Assalamu alaikum students. Today we are going to have another topic that is somewhat new for you, though it is related to the Hamiltonian equations and Hamiltonian equation of motion. Yet it is somewhat new because it is about coordinates and it is about change in coordinates. In the previous lecture, we have discussed Hamiltonian and construction of Hamiltonian, how to construct Hamiltonian and Hamiltonian's equation, and afterwards we have discussed some applications of Hamiltonian and Hamilton's equation of motion. And I have given you an exercise about the spherical polar coordinates, that find a Hamiltonian in the spherical polar coordinates and discuss the equations of motion for that, which you have to do by yourself. And now we are going over towards brackets. आज जो हम पढ़ने लगे हैं वो ब्रैकेट्स के बारे में थोड़ी चीज़ें हम पढ़ेंगे. अब ये ब्रैकेट्स जो हैं वो हैमिल्टोनियन इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेटेड हैं, इसलिए मैं हैमिल्टोनियन के दरमियान में इसको पढ़ा रही हूँ. और ये थोड़े से कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड हैं, और कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो फिर आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे आफ्टर द ब्रैकेट्स, वो भी हैमिल्टोनियन से रिलेटेड है. अब सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बता दूं. कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, कैसी होती हैं. कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होती हैं? आपको पता है कि आपकी फेज स्पेस में क्या होता है, आपकी फेस स्पेस 2n कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंडेंट होती है. जब आपके पास q i जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हो, i वेरीज फ्रॉम 1 टू n, और रिस्पेक्टिव मोमेंटा अगर हम देखें तो वो p i है, इसमें भी i वेरीज फ्रॉम 1 टू n होता है. ठीक है जी, ये हमारी थी पुरानी ट्रांसफॉर्मेशन, पुराने कोऑर्डिनेट्स और पुराने मोमेंटा. ठीक है जी, हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, उसमें हमने कुछ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लिए क्यू आई के नाम से, आई इक्वल टू वन टू सो ऑन अप टू एन. फिर हमने रिस्पेक्टिव मोमेंटा ले लिए और उससे इन सारे टू एन कोऑर्डिनेट्स के तौर पे इनको लिया, एक पार्टिकल के लिए या एक सिस्टम के लिए इनको एज टू एन कोऑर्डिनेट्स लिया, और हमने इसे फेस स्पेस बना ली. ठीक है, अब हम कहते हैं कि कुछ और कोऑर्डिनेट्स हैं क्यू आई पी आई जो के बने हैं इन पुराने कोऑर्डिनेट्स से, यानी क्यू आई नए कोऑर्डिनेट्स हैं, क्यू आई जो हैं वो इन पुराने क्यू आई और पी आई पे डिपेंडेंट हैं, और इसी तरह जो इससे रिस्पेक्टिव पी आईस हैं यानी नए मोमेंटा हैं वो भी क्यू आई पी आई पे डिपेंडेंट हैं. और इस तरह डिपेंडेंसी ये है कि वो जो हैमिल्टन इक्वेशंस ऑफ मोशन थी वो पुराने कोऑर्डिनेट्स में जो थी, पुराने कोऑर्डिनेट्स के लिहाज से लेटस से हैमिल्टोनियन हमारा एच है, तो नए कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से हैमिल्टोनियन आपका स्टाइलिश एच हो गया. ठीक है, तो पुराने कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से एच के लिहाज से हैमिल्टन इक्वेशन थी, नए कोऑर्डिनेट्स के हिसाब में अगर आप आए तो स्टाइलिश एच के हिसाब से हैमिल्टन इक्वेशन है. और इन दोनों हैमिल्टोनियंस के दरमियान एक रिलेशन है. रिलेशन कैसा है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में, कि समेशन पी आई डी क्यू आई माइनस स्मॉल एच इज इक्वल टू समेशन पी आई क्यू आई डॉट माइनस एच इक्वल टू समेशन, समेशन जाहिर है ओवर आई ही होगा, कैपिटल पी आई डी क्यू आई बाय डी टी माइनस न्यू एच. ये और ये दोनों बराबर होंगी, या समेशन आई पी आई क्यू आई डॉट माइनस स्मॉल एच, ओ सॉरी
प्लेन एच इक्वल टू समेशन आई कैपिटल पी आई क्यू आई डॉट माइनस स्टाइलिश एच। ठीक है जी, ये जो रिश्ता है, ये रिलेशन जो है, ये सेटिस्फाई हो, ये इस किस्म के कोऑर्डिनेट्स हैं कि इसका और इसके दरमियान ऐसा सा एक रिलेशनशिप बन। अब इसकी डिटेल जो है, ये कैसे बनता है, क्या होता है, कैसे होता है, वो सारे हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम कुछ पढ़ेंगे ब्रैकेट्स के बारे में। अब ये पता चल गया कि क्यू आई क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, ये जो स्मॉल पी आईज हैं, जनरलाइज मोमेंटा हैं, इससे रिलेटेड एक आपके पास हैमिल्टोनियन एच आया है अगर, तो नए कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि ये क्यू आई और पी आई जो हैं, ये कैपिटल क्यू आई कैपिटल पी आई में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे होंगे कि कैपिटल क्यू आई भी क्यू आई और पी आई का एक फंक्शन है और कैपिटल पी आई भी क्यू आई और पी आई का एक फंक्शन है, और रिलेशन बिटवीन द हैमिल्टोनियन ये है, इन दोनों के दरमियान जो भी रिलेशनशिप आता है वो ये है। ठीक है जी, अब ये जो रिलेशनशिप आता है, जो भी रिलेशनशिप ये है ओल्ड कोऑर्डिनेट्स और न्यू कोऑर्डिनेट्स का, ये फुलफिल हो तो जितने ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, ये याद रखें कि न्यू कोऑर्डिनेट्स भी उतने ही हैं। ठीक है, अगर ओल्ड जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स 1 से लेके n तक हैं, तो नए जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो भी 1 से लेके n तक ही हैं, नए जनरलाइज मोमेंटा भी 1 से लेके n तक ही हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इस किस्म की है, जो इस इक्वेशन को फुलफिल करती है, उसको हम कहते हैं ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। या फिर इसका दूसरा ये है कि, चले वो फिर मैं आपको बाद में बता दूंगी। अब हम आते हैं अगले इस आज के टॉपिक की तरफ, वो है ब्रैकेट्स का। पहली चीज है जी लैग्रांज ब्रैकेट्स। लैग्रांज ब्रैकेट्स दे आर सर्टेन एक्सप्रेशंस दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय जोसेफ लुइस लैग्रांज इन 1808 टू 1810 फॉर द पर्पसेस ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, बट अनलाइक पॉइजन ब्रैकेट्स हैव फॉलन आउट ऑफ यूज। अब जो दो ब्रैकेट्स आज हमने पढ़नी हैं, वो हैं लैग्रांज ब्रैकेट और पॉइजन ब्रैकेट। दोनों क्लासिकल मैकेनिक्स की मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन के लिए यूज होती हैं। ठीक है, अब लैग्रांज ब्रैकेट जो हैं, वो जोसेफ लुइस लैग्रांज ने इंट्रोड्यूस करवाई, इंट्रोड्यूस वो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए करवाई गई, लेकिन अब उनको यूज नहीं किया जाता। ठीक है जी, अब ये जो लैग्रांज था, इसने अब बात ये लैग्रांज था, इसने तो 1808 में वो एक नई ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करा दी। कॉज क्या था? मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। अब क्लासिकल मैकेनिक्स की मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन की क्या जरूरत थी, क्वेश्चन ये अराइज होता है। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, एक चीज होती है मैथमेटिकल मॉडलिंग। चीज को मैथमेटिक्स में लिख लेना। मैथमेटिकल मॉडलिंग का मैंने आपको डिटेल में बताया था, है क्या कि एक फिजिकल प्रॉब्लम है, उसको आप मैथमेटिकल इक्वेशंस के जरिए शो कर दें, दिखा दें, उसके बाद वो जो इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करें, सॉर्ट आउट करें, सॉल्व करें, सॉल्व करके उनका जो भी सलूशन आएगा उसको फिर उसकी फिजिक्स जनरेट कराएं। तो ये सारा प्रोसेस मैथमेटिकल मॉडलिंग कहलाता है। अब मैथमेटिकल मॉडलिंग में फर्स्ट स्टेप क्या है? मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम। अब उसी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन के लिए लैग्रांज ब्रैकेट्स इंट्रोड्यूस कराई गई हैं। कैसी, क्या है इसमें? सपोज दैट Q1, Q2 एंड सो ऑन Qn, P1, P2 एंड सो ऑन Pn इज अ सिस्टम ऑफ कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स ऑन फेस स्पेस। हम कहते हैं कि Qi i इक्वल टू 1 टू n जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, और P1, P2, Pi i इक्वल टू 1 टू n ये भी कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स हैं। कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स में ये है कि ये जो भी मैंने आपको पहले बताया है ना, कि अगर क्यू आई पी आई को क्यू आई कैपिटल क्यू आई कैपिटल पी आई में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इसी तरह कैपिटल क्यू आई कैपिटल पी आई को भी स्मॉल क्यू आई स्मॉल पी आई में कन्वर्ट किया जा सकता है। जब दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो सिर्फ एक को नहीं हम कैनोनिकल कहेंगे, हम दोनों को कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स कहेंगे, कि वो पहला वाला है वो भी सेट ऑफ कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स है, जो दूसरा है वो भी सेट ऑफ कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स है।
तो हम कहते हैं कि अगर क्यू आई आई इक्वल टू वन टू एन, पी आई आई इक्वल टू वन टू एन, ये एक सिस्टम है कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स का किसी भी फेस स्पेस में, इफ ईच ऑफ देम इज एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स यू एंड वी, हम कहते हैं कि इनमें से हर एक यू और वी का फंक्शन है, ठीक है, यानी क्यू आई इज ए फंक्शन ऑफ यू, पी आई इज ए फंक्शन ऑफ यू। हमने अभी तक कहा क्या है, हमने ये कहा है कि क्यू आई पी आई ये सिस्टम बना रहे हैं आई इक्वल टू वन टू एन, ये कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स हैं किसी फेस स्पेस के। क्यू आई, हर क्यू आई जो है ये फंक्शन ऑफ यू एंड वी है, हर पी आई भी एक फंक्शन ऑफ यू एंड वी है। क्यू आई जो है वो फंक्शन ऑफ यू एंड वी है, पी आई जो है वो भी फंक्शन ऑफ यू एंड वी है। तो फिर लग्रांज ब्रैकेट इसकी यू और वी की डिफाइन की जा सकती है, और वो कैसे की जाएगी। अब लग्रांज ब्रैकेट के लिए आप देखें कि यूज क्या हो रहा है, इस ब्रैकेट को क्या कहते हैं, याद करें जो आपने ना 10th में पढ़ी थी ब्रैकेट्स। सबसे पहले हम किस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, कोई भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो उसमें मुख्तलिफ काइंड की ब्रैकेट्स आपने देखी थी, उसमें सबसे पहले आप बार ब्रैकेट को सॉल्व करते थे, ठीक है। बार ब्रैकेट जब सॉल्व हो जाती थी आप देखते थे कि ये गोल वाली ब्रैकेट्स हैं कि नहीं, अगर तो बार ब्रैकेट है तो बार ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लो, अगर बार ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है या बार ब्रैकेट नहीं है फिर कौन सी ब्रैकेट देखनी है, ये गोल गोल वाली ब्रैकेट, इसको क्या कहते हैं, फ्रेंसिस। मैं यहाँ पे ऊपर जरा लिख रही हूँ कि सबसे पहले आप सॉल्व करते हो बार ब्रैकेट को, उसके बाद आप सॉल्व करते हो पेरेंथिस को, ठीक है। बार ब्रैकेट ऐसे होती है चीज के ऊपर, फ्रेंसिस ये गोल गोल ब्रैकेट्स हैं। अगर ये दोनों अवेलेबल ना हो तो हम एक्सप्रेशन में देखते हैं ये वाली ब्रैकेट्स, जिनको हम कर्ली ब्रैकेट्स भी कहते हैं, जिनको हम ब्रेसेस भी कहते हैं, को हम ब्रेसेस कहते हैं, या हम सेकेंडली इसका नाम लेते हैं कर्ली ब्रैकेट, ब्रेसेस, और इसका सिंबल है ये, और इसको हम कहते हैं कर्ली ब्रैकेट्स, ये भी आपने नाम सुना होगा। और लास्ट में है स्क्वायर ब्रैकेट्स, जो इस तरह रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स भी कहते हैं, इसको हम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स भी कहते हैं, और वो है ये वाले, दीज आर द रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, ठीक है जी। तो अब आप देखो कि यूवी किस में है, ये ब्रेसेस में है, और नीचे लिखा है पी क्यू, जो यूजली प्रिंसेस में लिखा जाता है, कई बुक्स में आप इसको देखेंगे कि ये लिखा है जी यू वी और नीचे ऐसे करके पी क्यू लिखा है, कई बुक्स में इसी चीज को यू वी पी क्यू इस तरह से डिनोट किया गया, कई बुक्स में इसको यू वी पी क्यू विदाउट कॉमा इस तरह से डिनोट किया गया। तो यू वी पी क्यू किसके बराबर है, समेशन आई इक्वल टू वन टू एन पार्शल क्यू आई बाय पार्शल यू पार्शल पी आई बाय पार्शल वी माइनस पार्शल पी आई बाय पार्शल यू पार्शल क्यू आई बाय पार्शल वी। अब ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, और हमने आगे करनी है इसकी एप्लीकेशंस। अच्छा, लग्रांज ब्रैकेट का एक मसला है कि आजकल इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता, आउट ऑफ यूज हो गई है। पॉइजन ब्रैकेट्स आगे जो हम पढ़ेंगे वो इन यूज हैं और वो बहुत ज्यादा यूज की जाती हैं, तो लग्रांज ब्रैकेट्स को आजकल लोग यूज नहीं करते, ठीक है ना, ज्यादा यूज नहीं करते, लेकिन ये कि इसका पता होना चाहिए, क्यों, इसलिए कि ये हिस्ट्री है इन पॉइजन ब्रैकेट्स की, पॉइजन ब्रैकेट्स यहाँ से ही निकाली गई। प्रॉपर्टीज क्या हैं जी लग्रांज ब्रैकेट्स की, लग्रांज ब्रैकेट्स डू नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ द क्लासिकल कोऑर्डिनेट्स क्यूपी। अगर आप लग्रांज ब्रैकेट्स जो हैं वो कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स के सिस्टम पे डिपेंड नहीं करते, इफ क्यू पी इज अनदर सिस्टम ऑफ कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स सो डैट क्यू पी कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल क्यू पी इज अ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम कहते हैं कि जी स्मॉल क्यू पी से आप कैपिटल क्यू पी बना सकते हो, तो लग्रांज ब्रैकेट जो हैं वो
कैपिटल क्यूपी के लिहाज से जो होंगी वो स्मॉल क्यूपी के लिहाज से भी होंगी। यहाँ भी मैं ब्रैकेट डाल देती हूँ क्योंकि मेरा, वैसे तो मैंने आपको बताया ना मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ तरीके से हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन जो मेरा अपना पर्सनल है ना वो ये है कि बेहतर है कि अगर आप डाल लो, तो मैं यहाँ पे इसलिए सारी स्लाइड में डाल रही हूँ। अच्छा जी, तो अगर लैग्रांज ब्रैकेट्स एक में हो या दूसरे में हो, तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो या दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे हैं, दोनों कोऑर्डिनेट्स ऐसे हैं कि वो एक दूसरे में ट्रांसफर हो सकते हैं, तो इस लैग्रांज ब्रैकेट्स जो हैं वो इनवेरिएंट रहती हैं, उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, तो इसलिए जो सबस्क्रिप्ट्स इंडिकेटिंग द कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स हैं ये इसलिए ओमिट कर दिए जाते हैं, जो नीचे वाले हैं ना आईज वो ओमिट कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि पी क्यू है, कोई पी आई क्यू आई नहीं है, ठीक है ना जी। और इसी तरह यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे भी पी क्यू है, कोई पी आई क्यू आई नहीं है किसी में। तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो या दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो, उसे लैग्रांज ब्रैकेट को कोई इतना फर्क नहीं पड़ता कि अगर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन उन दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के दरमियान एग्जिस्ट करती हो, तो उनकी लैग्रांज ब्रैकेट्स जो हैं वो इनवेरिएंट रहती हैं। दूसरा ये है कि जो कोऑर्डिनेट्स अगर फेस स्पेस में कैनोनिकल उसी वक्त होंगे अगर लैग्रांज ब्रैकेट उनके दरमियान इस फॉर्म की होंगी, क्यू आई क्यू जे पी क्यू इक्वल टू जीरो, पी आई पी जे पी क्यू इक्वल टू जीरो, क्यू आई पी जे पी क्यू इक्वल टू जीरो, सॉरी इक्वल टू माइनस पी जे क्यू आई पी क्यू विच इज इक्वल्स टू डेल्टा आई जे। अब ये लैग्रांज ब्रैकेट में ये चीजें पुट करके तो देखें क्या बनता है। लैग्रांज ब्रैकेट की डेफिनेशन देखते हैं, यू वी कर्ली ब्रैकेट पी क्यू किसके बराबर है, पार्शल क्यू आई बाय पार्शल यू इंटू पार्शल पी आई बाय पार्शल वी माइनस पार्शल पी आई बाय पार्शल यू इंटू पार्शल क्यू आई बाय पार्शल वी। यहां से जब मैंने करेक्शन करवाई है ना उसके बाद से अगली स्लाइड पे ना लेके आइएगा, ठीक है। अगली स्लाइड से रिलेटेड जो मटेरियल है जो अगली स्लाइड पे मैंने बोला उसको रहने दें, और ये सिर्फ रहेगा, ये करेक्शन जो है ये रहेगी। उसके बाद हम आते हैं जी पॉइजन ब्रैकेट्स की तरफ। अब जी पॉइजन ब्रैकेट्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बाइनरी ऑपरेशंस हैं, बाइनरी ऑपरेशंस ऑपरेशन बिटवीन द टू। हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स में पॉइजन ब्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये एक सेंट्रल रोल प्ले करते हैं हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन के लिहाज से। और हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन का हमें पता है कि ये टाइम एवोल्यूशन ऑफ ए हैमिल्टोनियन डायनेमिकल सिस्टम को गवर्न करती हैं। अच्छा, पॉइजन ब्रैकेट जो है वो एक स्पेशल क्लास ऑफ कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको अभी मैंने थोड़ा सा बताया भी है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं उनको उनसे रिलेटेड भी है। और कैनोनिकल सिस्टम जो है ये कैनोनिकल पोजीशन और कैनोनिकल वेरिएबल से, मोमेंटम वेरिएबल से मुतल्लिक हैं, और कैनोनिकल पॉइजन ब्रैकेट रिलेशन जो है उससे उसको सेटिस्फाई करते हैं। अब हम आगे इस ब्रैकेट के बारे में पढ़ेंगे। फ्रॉम हैमिल्टन इक्वेशंस वी कैन इजीली कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन एफ विच इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, जनरलाइज मोमेंटा एंड टाइम। सो डी एफ बाई डी टी इट इज इक्वल्स टू, क्योंकि एफ आपका मोमेंटम का भी है, मोमेंटम डिपेंडेंट भी है, कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट भी है और टाइम डिपेंडेंट भी है, तो डी एफ बाई डी टी किसके बराबर हो गया, पार्शल एफ बाई पार्शल क्यू आई डी क्यू आई बाई डी टी प्लस पार्शल एफ बाई पार्शल पी आई डी पी आई बाई डी टी प्लस पार्शल एफ बाई पार्शल टी। अब कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं एफ और जी, तो उनकी पॉइजन ब्रैकेट किसके बराबर होगी, दैट इज पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ जी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉइजन ब्रैकेट के तौर पे एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है। पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ जी इक्वल टू पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ जी, और नीचे लिखा है क्यू और पी, यानी कि क्यू और पी कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से है, विच इज इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू वन टू एन, क्योंकि हमारे पास एन तक वेरी कर रहा है आई, पार्शल एफ बाय पार्शल क्यू आई पार्शल जी बाय पार्शल पी आई माइनस पार्शल एफ बाय पार्शल पी आई पार्शल जी बाय पार्शल क्यू आई। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है क्या कि
एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जनरल मोमेंटा है, जी का विद सॉरी एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स है, जी का विद रिस्पेक्ट टू जनरलाइज मोमेंटा है, माइनस के साथ एफ का विद रिस्पेक्ट टू जनरलाइज मोमेंटा और जी का विद रिस्पेक्ट टू जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स है, और इसका समेशन आई इक्वल टू वन टू एन, इस सब का समेशन इन्वॉल्व है और ये मिलकर पॉइजन ब्रैकेट बनाता है। अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ। पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, मैं साथ साथ यहाँ पे प्रूफ लिखती जाती हूँ। पॉइजन ब्रैकेट की पहले मैं डेफिनेशन यहाँ पे दे दूँ, एफ जी किसके बराबर है, समेशन आई इक्वल टू वन टू एन जब एन कोऑर्डिनेट्स हो, पार्शियल एफ बाय पार्शियल क्यू आई, पार्शियल जी बाय पार्शियल पी आई, माइनस पार्शियल एफ बाय पार्शियल पी आई, पार्शियल जी बाय पार्शियल क्यू आई इसके बराबर है, ठीक है। अब पहली प्रॉपर्टी है एफ जी इक्वल टू माइनस जी एफ। अब पहले मैं एफ जी लेती हूँ लेफ्ट हैंड साइड, एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड एफ जी, ये मुझे पता है समेशन ओवर आई, यहाँ सिर्फ समेशन ओवर आई लिखने आई वन से एन तक है, चाहे आप सिर्फ आई लिखने हमें क्या पता जी वन से एन तक है, वन से एम तक है, ठीक है जी हम समेशन आई लिख रहे हैं, पार्शियल एफ बाय पार्शियल क्यू आई, पार्शियल जी बाय पार्शियल पी आई, माइनस पार्शियल एफ बाय पार्शियल पी आई, पार्शियल जी बाय पार्शियल क्यू आई इसके बराबर। अब आप देखें कि इसमें से नेगेटिव साइन माइनस साइन अगर बाहर निकालें तो क्या बनेगा, समेशन आई माइनस पार्शियल एफ बाय पार्शियल पी आई, पार्शियल जी बाय पार्शियल क्यू आई, माइनस पार्शियल एफ बाय पार्शियल क्यू आई, पार्शियल जी बाय पार्शियल पी आई। और क्योंकि समेशन पे ये माइनस साइन को खास असर नहीं कर रहा, समेशन तो नहीं माइनस साइन पे अप्लाई होगा, माइनस साइन समेशन से बाहर निकाला जा सकता है, और इसी चीज को कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है कि देखो क्यू आई वाली टर्म को अगर हम इस एक्सप्रेशन में पहले लिख देंगे जो प्रोडक्ट वाली एक्सप्रेशन, पार्शियल जी बाय पार्शियल क्यू आई, पार्शियल एफ बाय पार्शियल पी आई, माइनस पार्शियल जी बाय पार्शियल पी आई, पार्शियल एफ बाय पार्शियल क्यू आई किसके बराबर है, जी और एफ के पॉइजन ब्रैकेट के बराबर, माइनस साइन के साथ जी और एफ का पॉइजन ब्रैकेट आ गया, विच इज द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। अच्छा जी, इन पर्टिकुलर एफ एफ इक्वल टू जीरो, अब ये भी देख लेते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड दूसरी की, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आ गई, ये सेकंड प्रॉपर्टी है और ये थर्ड प्रॉपर्टी है। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी की लेफ्ट हैंड साइड पे आ गएंगे, फर्स्ट का प्रूफ था ये सेकंड का प्रूफ है। अगर आप कंसिडर करें एफ एफ किसके बराबर है, समेशन आई पार्शियल एफ बाय पार्शियल क्यू आई, पार्शियल जी बाय पार्शियल पी आई, माइनस पार्शियल एफ बाय पार्शियल पी आई, पार्शियल जी बाय पार्शियल क्यू आई और ये बराबर, अब जी की बजाय भी भाई यहाँ पे एफ आएगा क्योंकि हम एफ एफ का पॉइजन ब्रैकेट देख रहे हैं। अब आप देखो कि ये पहला एक्सप्रेशन दूसरा एक्सप्रेशन बराबर है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, विच इज इक्वल टू जीरो, विच इज द राइट हैंड साइड, ठीक है जी। एफ एफ इक्वल टू जीरो में क्या है कि हमने जी की बजाय इसी ब्रैकेट के अंदर एफ पुट कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया। थर्ड अब हम लेंगे प्रॉपर्टी, थर्ड है इसकी लेफ्ट हैंड साइड को मैं ले रही हूं, एफ प्लस एच और जी का पॉइजन ब्रैकेट, ठीक है जी। और हमें ये नजर आ रहा है कि भाई ये किसके बराबर है, एफ जी का ब्रैकेट प्लस एच जी का ब्रैकेट। अच्छा अब इसको जरा खोल के देखते हैं किसके बराबर है, एफ प्लस एच कॉमा जी का पॉइजन ब्रैकेट, समेशन ओवर आई पार्शियल बाय पार्शियल क्यू आई ऑफ एफ प्लस एच, अब ये याद रखें कि ये एफ जी और एच सारे के सारे क्यू आई और पी आई डिपेंडेंट हैं, पार्शियल जी बाय पार्शियल पी आई, माइनस पार्शियल बाय पार्शियल पी आई ऑफ एफ प्लस एच पार्शियल जी
बाय पार्शल क्यू आई। और हमें ये पता है कि हम इस समेशन को फर्दर इस तरह से लिख सकते हैं, समेशन ओवर आई पार्शल एफ बाय पार्शल क्यू आई पार्शल जी बाय पार्शल पी आई प्लस पार्शल एच बाय पार्शल क्यू आई पार्शल जी बाय पार्शल पी आई माइनस पार्शल एफ बाय पार्शल पी आई पार्शल जी बाय पार्शल क्यू आई माइनस पार्शल एच बाय पार्शल पी आई पार्शल क्यू जी बाय पार्शल क्यू आई। और क्यों लिखा है मैंने इसको, क्योंकि पार्शल बाय पार्शल क्यू आई ऑफ एफ प्लस एच किसके बराबर है, पार्शल एफ बाय पार्शल क्यू आई प्लस पार्शल एच बाय पार्शल क्यू आई। और इसी तरह पार्शल बाय पार्शल पी आई ऑफ एफ प्लस एच किसके बराबर है, पार्शल डेरिवेटिव दो फंक्शंस के सम के ऊपर अगर आप अप्लाई करो तो ये आता है जी पार्शल एफ बाय पार्शल पी आई प्लस पार्शल एफ बाय पार्शल क्यू आई के, सॉरी पार्शल एच बाय पार्शल पी आई के इसके बराबर। तो जी अब यहाँ आप दोनों फंक्शंस को इस तरह से लिख सकते हैं, समेशन आई ये एफ और जी वाली टर्म सारी एक समेशन में लिख लो और जो एच और जी वाली टर्म्स हैं वो दूसरे समेशन में लिख लो, पार्शल एफ बाय पार्शल क्यू आई पार्शल जी बाय पार्शल पी आई माइनस पार्शल एफ बाय पार्शल पी आई पार्शल जी बाय पार्शल क्यू आई प्लस समेशन आई पार्शल एच बाय पार्शल क्यू आई पार्शल जी बाय पार्शल पी आई माइनस पार्शल एच बाय पार्शल पी आई पार्शल जी बाय पार्शल क्यू आई। और ये किसके बराबर है, ये पहली जो है पहला सम वो बराबर है एफ जी के पॉइसन ब्रैकेट के और दूसरा सम जो है वो एच जी के पॉइसन ब्रैकेट के सामने के बराबर है। और यहाँ से ये अगर आप देखो तो ये राइट हैंड साइड के बराबर है, सो एफ प्लस एच कॉमा जी द पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एफ प्लस एच एंड जी इट इज इक्वल्स टू एफ जी पॉइसन ब्रैकेट प्लस पॉइसन ब्रैकेट ऑफ फंक्शंस एच एंड जी। अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं विच इज द फोर्थ प्रॉपर्टी एंड द फिफ्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी का सॉल्यूशन या प्रूफ, प्रूफ ऑफ फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एफ एच जी यानी कि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट और साथ में जी इनका पॉइसन ब्रैकेट। जब दो फंक्शंस का आप प्रोडक्ट लेते हैं आपके पास समेशन कैसा आ रहा है, जब मैं पहले तो सबसे पहले पॉइसन ब्रैकेट की डेफिनेशन ली, पार्शल बाय पार्शल क्यू आई पार्शल बाय पार्शल पी आई माइनस पार्शल बाय पार्शल पी आई पार्शल बाय पार्शल क्यू आई, ये मैं इस तरह से लिख लेती हूँ मेरी आसानी होती है। पहली जगह पे जो फंक्शन है एफ एच, दूसरी जगह पे जो है जी और फिर लिख लो जी एफ एच और फिर लिख लो जी जी। अच्छा अब मुझे ये पता है कि पार्शल बाय पार्शल क्यू आई ऑफ एफ एच किसके बराबर है, एफ पार्शल एच बाय पार्शल क्यू आई प्लस पार्शल एफ बाय पार्शल क्यू आई इंटू एच, ये दो चीज़ों के बराबर है। इसी तरह पार्शल बाय पार्शल पी आई ऑफ एफ एच ये किसके बराबर है, एफ पार्शल एच बाय पार्शल पी आई प्लस पार्शल एफ बाय पार्शल पी आई टाइम्स एच इसके बराबर। जब मैं ये दोनों वैल्यूज इस वाली इक्वेशन में पुट करूंगी तो मेरे पास एफ एच कॉमा जी इनकी पॉइजन ब्रैकेट बन जाएगी समेशन आई एफ पार्शल एच बाय पार्शल क्यू आई प्लस पार्शल एफ बाय पार्शल क्यू आई एच पार्शल जी बाय पार्शल पी आई माइनस एफ पार्शल एच बाय पार्शल पी आई प्लस पार्शल एफ बाय पार्शल पी आई एच पार्शल जी बाय पार्शल क्यू आई इसके बराबर है। जब इसको मैं खोलती हूं तो मेरे पास समेशन आई जो एफ पार्शल एच बाय पार्शल क्यू आई पार्शल जी बाय पार्शल पी आई आ गया
माइनस पार्शियल एच बाय पार्शियल पी आई पार्शियल जी बाय पार्शियल क्यू आई, ये आ गया। और प्लस अगर मैं एच कॉमन निकालूं तो मेरे पास पार्शियल एफ बाय पार्शियल क्यू आई पार्शियल जी बाय पार्शियल पी आई माइनस पार्शियल एफ बाय पार्शियल पी आई पार्शियल जी बाय पार्शियल क्यू आई आ गया इनटू एच, कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज। दिस इज इक्वल्स टू सम एफ के ऊपर तो क्योंकि समेशन नहीं अप्लाई हो रहा, समेशन अप्लाई होगा अंदर, यहाँ पे क्यू आई और पी आई इंट्रोड्यूस हुए, पार्शियल एच बाय पार्शियल क्यू आई पार्शियल जी बाय पार्शियल पी आई माइनस पार्शियल एच बाय पार्शियल पी आई पार्शियल जी बाय पार्शियल क्यू आई प्लस समेशन आई पार्शियल एफ बाय पार्शियल क्यू आई पार्शियल जी बाय पार्शियल पी आई माइनस पार्शियल एफ बाय पार्शियल पी आई पार्शियल जी बाय पार्शियल क्यू आई इंटू एच आ गया। ठीक है जी, अब ये बराबर हो गया एफ पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एच जी प्लस पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ जी इंटू एच। ठीक है ना जी। अच्छा जी, अब सेकंड की तरफ आ जाए। इसमें जी कई बुक्स में यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि एफ कॉमा जी एच इक्वल टू एफ जी कॉमा एफ जी इंटू एच प्लस जी पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ एच, और कई जगहों पे कई बुक्स में एफ एच के बाद जी आता है। तो आपकी मर्जी है, आप जी पहले लिख लो बाद में लिख लो, क्योंकि एज ए कॉमन ही निकलना है। अब जैसे ये फंक्शन एच एज ए कॉमन निकला तो आपकी मर्जी है इसको बाद में पुट कर लो, आपकी मर्जी है इसको पहले पुट कर लो, उससे पॉइजन ब्रैकेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, तो अब हम फिफ्थ वाला करते हैं। रूल तो उसमें यही वाले अप्लाई होने, पार्शियल बाय पार्शियल क्यू आई और पार्शियल बाय पार्शियल पी आई वाले। तो लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ और मैं इसको सॉल्व करती हूँ और फिर देखते हैं कि क्या बनता है। अच्छा जी, एफ कॉमा जी एच क्या बना जी, समेशन आई पार्शियल एफ बाय पार्शियल क्यू आई पार्शियल बाय पार्शियल जी आई सॉरी पी आई ऑफ जी एच माइनस पार्शियल एफ बाय पार्शियल पी आई पार्शियल बाय पार्शियल क्यू आई ऑफ जी एच, और ये किसके बराबर हो गया जी, समेशन आई, अब मैं वैल्यू डायरेक्टली पुट कर रही हूँ, पार्शियल एफ बाय पार्शियल क्यू आई इंटू जी पार्शियल एच बाय पार्शियल पी आई प्लस पार्शियल जी बाय पार्शियल पी आई टाइम्स एच माइनस पार्शियल एफ बाय पार्शियल पी आई जी पार्शियल एच बाय पार्शियल क्यू आई प्लस पार्शियल जी बाय पार्शियल क्यू आई एच विच इज इक्वल्स टू, अगर मैं इधर से इस टर्म से और इस टर्म से जी कॉमन लूं तो जी के ऊपर तो समेशन लगना ही नहीं है, जी समेशन आई पार्शियल एफ बाय पार्शियल क्यू आई पार्शियल एच बाय पार्शियल पी आई माइनस पार्शियल एफ बाय पार्शियल पी आई पार्शियल एच बाय पार्शियल क्यू आई प्लस, इन दोनों टर्म से मैं एच कॉमन निकाल सकती हूँ। पहली टर्म से मुझे मिलेगा पार्शियल एफ बाय पार्शियल क्यू आई पार्शियल जी बाय पार्शियल पी आई माइनस पार्शियल जी बाय पार्शियल क्यू आई पार्शियल एफ बाय पार्शियल पी आई इंटू एच, इसके ऊपर भी समेशन अप्लाई होगा, समेशन ओवर आई। और ये किसके बराबर है, जी टाइम्स एफ एच पॉइजन ब्रैकेट प्लस एफ जी की पॉइजन ब्रैकेट इंटू एच के, विच इज राइट हैंड साइड। देखें राइट हैंड साइड पे यही है, एफ जी एच इक्वल टू एफ जी की पॉइजन ब्रैकेट इंटू एच, ये वाला पार्ट प्लस जी टाइम्स एफ एच की पॉइजन ब्रैकेट। अब जी छठी प्रॉपर्टी की तरफ आए जी, सिक्स प्रॉपर्टी, सिक्स एंड सेवन दोनों है। सिक्स प्रॉपर्टी है पार्शियल बाय पार्शियल टी ऑफ द पॉइजन ब्रैकेट इक्वल टू पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ एंड जी इज इक्वल टू
पॉइजन ब्रैकेट ऑफ पार्शियल एफ बाय पार्शियल टी एन जी प्लस एफ टाइम्स प्लस पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ इंटू एफ एंड पार्शियल जी बाय पार्शियल टी, इसी तरह टाइम डेरिवेटिव पे। अब ये दोनों का वैसे देखा जाए तो एक ही तरह से सोल्यूशन होना है, बस पार्शियल और डी में चेंज है, लेकिन बहरहाल हम दोनों का प्रूफ अलग अलग कर लेते हैं। प्रूफ सबसे पहले आएगा 6 का। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? पार्शियल बाय पार्शियल टी ऑफ द पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ एंड जी, ये किसके बराबर है? पार्शियल बाय पार्शियल टी एफ और जी की पॉइजन ब्रैकेट देख लेते हैं। समेशन आई पार्शियल एफ बाय पार्शियल क्यू आई पार्शियल जी बाय पार्शियल पी आई माइनस पार्शियल एफ बाय पार्शियल पी आई पार्शियल जी बाय पार्शियल क्यू आई, इसके बराबर। जब टाइम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा आपके पास? समेशन आई, टाइम डेरिवेटिव समेशन पे तो अप्लाई नहीं होगा, बाकी सारे पे होगा, वहां से आपके पास ज्यादा सारी टर्म्स आएंगी। टाइम डेरिवेटिव पहले तो अप्लाई होगा आपका, टाइम डेरिवेटिव पहले तो अप्लाई होगा आपका पहली वाली टर्म पे, पार्शियल एफ बाय पार्शियल क्यू आई पार्शियल जी बाय पार्शियल पी आई, और माइनस साइन के साथ यही टाइम डेरिवेटिव दूसरी दूसरी टर्म्स पे अप्लाई होगा, पार्शियल एफ बाय पार्शियल पी आई पार्शियल जी बाय पार्शियल क्यू आई, विच इज इक्वल्स टू समेशन आई। जब टाइम डेरिवेटिव पहली टर्म पे अप्लाई होगा, पार्शियल स्क्वायर एफ बाय पार्शियल टी पार्शियल क्यू आई पार्शियल जी बाय पार्शियल पी आई एज इट इज प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल क्यू आई पार्शियल स्क्वायर जी बाय पार्शियल टी पार्शियल पी आई माइनस, अब ये दूसरी पे जब टाइम डेरिवेटिव अप्लाई होगा, पार्शियल स्क्वायर एफ बाय पार्शियल टी पार्शियल पी आई पार्शियल जी बाय पार्शियल क्यू आई माइनस पार्शियल एफ बाय पार्शियल पी आई पार्शियल स्क्वायर जी बाय पार्शियल टी पार्शियल क्यू आई, और ये किसके बराबर है? ये अगर आप देखो तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ कि इट इज इक्वल्स टू पार्शियल बाय पार्शियल क्यू आई ऑफ पार्शियल एफ बाय पार्शियल टी इंटू पार्शियल जी बाय पार्शियल पी आई माइनस पार्शियल बाय पार्शियल पी आई ऑफ पार्शियल एफ बाय पार्शियल टी पार्शियल जी बाय पार्शियल क्यू आई। ये कहाँ से आएगा? ये वाली और ये वाली टर्म, पहली और तीसरी टर्म को मिलाने से आया, ठीक है जी। प्लस समेशन आई, अब आप ये वाली टर्म्स देखो, दूसरी और चौथी टर्म, पार्शियल एफ बाय पार्शियल क्यू आई पार्शियल बाय पार्शियल पी आई ऑफ पार्शियल जी बाय पार्शियल टी माइनस पार्शियल एफ बाय पार्शियल पी आई पार्शियल बाय पार्शियल क्यू आई ऑफ पार्शियल जी बाय पार्शियल टी। ये आ गया। अब जो पहली दो हैं टर्म्स वो मिलके आपको दे रही हैं पॉइजन ब्रैकेट ऑफ पार्शियल एफ बाय पार्शियल टी एंड जी, और दूसरी दोनों टर्म्स जो हैं वो मिलके आपको दे रही हैं पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ एंड पार्शियल जी बाय पार्शियल टी, और ये आपके पास राइट हैंड साइड है। इसी तरह आप सेकेंड वाले हिस्से का भी निकाल सकते हो, डी बाई डी टी ऑफ एफ जी, वो भी इन द सेम मैनर निकलेगा, ठीक है। और कैसे निकलेगा कि इसमें ही आप पार्शियल डेरिवेटिव की बजाय टोटल डेरिवेटिव डाल दोगे। अब ये मैं आपको एज एन एक्सरसाइज दे देती हूँ कि जी 7 नंबर जो है उस प्रॉपर्टी का प्रूफ जो है वो आप खुद करो जरा, और देखो कि क्या वो सेम आता है। करना है इसी तरह से। नेक्स्ट जी 8 नंबर प्रॉपर्टी है, 9 नंबर प्रॉपर्टी है, और इनफैक्ट ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा जी, अब 8 नंबर प्रॉपर्टी जो है उसका हम प्रूफ देखेंगे। अच्छा, प्रूफ हम दे रहे हैं 8 नंबर प्रॉपर्टी का, यहाँ पे विद नेगेटिव साइन आएगा। अच्छा, 8 नंबर प्रॉपर्टी की लेफ्ट हैंड साइड अगर आप लो, क्या है? एफ क्यू आई। अगर आप इसको देखो तो समेशन आई क्या आएगा? पार्शियल एफ बाय पार्शियल क्यू आई पार्शियल क्यू आई बाय पार्शियल क्यू आई सॉरी पार्शियल क्यू आई बाय पार्शियल पी आई माइनस पार्शियल एफ बाय पार्शियल पी आई पार्शियल क्यू आई बाय पार्शियल क्यू आई।
अच्छा जी, अब ये जी पार्शल एफ बाय पार्शल क्यू आई जो भी आ जाएगा, पार्शल क्यू आई बाय पार्शल पी आई, क्यू आई और पी आई एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं तो ये जीरो आ जाएगा, और रह जाएगी दूसरी टर्म माइनस समेशन आई पार्शल एफ बाय पार्शल पी आई पार्शल क्यू आई बाय पार्शल क्यू आई। अब होगा क्या, होगा ये कि ये क्यू आई जो है ये समेशन वाला नहीं है। बेहतर ये होता कि अगर मैं यहाँ पे आई की बजाय जे लिख देती, वो मेरे लिए ज्यादा बेहतर होता कि समेशन ओवर जे। अगर ये क्यू जे है और ये पी जे है और ये पी जे है और ये क्यू जे है, तो यहाँ पे भी पी जे आ गया और यहाँ पे भी क्यू जे आ गया, और पार्शल क्यू आई बाय पार्शल क्यू जे समेशन ओवर जे किसके बराबर होगा, ये सिर्फ उसी सूरत में वन होगा अगर जे इक्वल टू आई होगा। ठीक है, देखो पार्शल क्यू आई बाय पार्शल क्यू जे समेशन ओवर जे अगर मैं लेती हूँ सिर्फ इतने हिस्से को, तो वो किसके बराबर होगा, पार्शल क्यू आई बाय पार्शल क्यू वन प्लस पार्शल क्यू आई बाय पार्शल क्यू टू प्लस सो ऑन प्लस पार्शल क्यू आई बाय पार्शल क्यू आई प्लस पार्शल क्यू आई बाय पार्शल क्यू आई प्लस वन प्लस सो ऑन प्लस पार्शल क्यू आई बाय पार्शल क्यू एन इसके बराबर हो गए। अब पार्शल क्यू आई बाय पार्शल क्यू वन जीरो है, पार्शल क्यू आई बाय पार्शल क्यू टू भी जीरो है, ये वन होगा, ये जीरो है, ये भी जीरो है, तो इसका मतलब मेरे पास रह क्या गया, मेरे पास तो समेशन जे पार्शल क्यू आई बाय पार्शल क्यू जे जो है पार्शल क्यू आई बाय पार्शल क्यू आई रह गया विच इज इक्वल्स टू वन, ये सारा समेशन वन के बराबर हो गया। ठीक है, इसी तरह अब हम नेक्स्ट चीज देखेंगे कि जी समेशन ओवर ए जे पार्शल एफ बाय पार्शल पी जे पार्शल क्यू आई बाय पार्शल क्यू जे किसके बराबर है। इसको अगर मैं खोलूं तो मेरे पास आएगा जे वन से लेके एन तक है माइनस साइन के साथ पार्शल एफ बाय पार्शल पी वन पार्शल क्यू आई बाय पार्शल क्यू वन प्लस सोन पार्शल एफ बाय पार्शल पी आई माइनस वन पार्शल क्यू आई ओवर पार्शल क्यू आई माइनस वन प्लस पार्शल एफ बाय पार्शल पी आई पार्शल क्यू आई बाय पार्शल क्यू आई प्लस पार्शल एफ बाय पार्शल पी आई प्लस वन पार्शल क्यू आई प्लस वन बाय पार्शल क्यू आई प्लस वन सॉरी पार्शल क्यू आई बाय पार्शल क्यू आई प्लस वन प्लस सो ऑन प्लस पार्शल एफ बाय पार्शल पी एन पार्शल क्यू आई बाय पार्शल क्यू एन इसके बराबर हो गया। ठीक है जी, क्यों गया जे जो है वन से एन तक वेरी कर रहा। अब ये टर्म जीरो हो गई, यहाँ तक सारी टर्म जीरो हो गई, ये वाली टर्म जीरो हो गई, ये वाली टर्म जीरो हो गई, पार्शल क्यू आई बाय पार्शल क्यू आई वन हो गया, और ये मेरे पास आ गई माइनस पार्शल एफ बाय पार्शल पी आई पार्शल क्यू आई ओवर पार्शल क्यू आई, ये सारा समेशन इसमें रिड्यूस हो गया माइनस पार्शल एफ बाय पार्शल पी आई में, एंड दैट्स द आंसर। इसी तरह एफ पी आई जो है वो पार्शल एफ बाय पार्शल क्यू आई बन जाएगा, वो कैसे बनेगा, इन द सेम मैनर। अगर आप देखो एफ पी आई किसके बराबर है, समेशन ओवर जे पार्शल एफ बाय पार्शल क्यू जे पार्शल पी आई बाय पार्शल पी जे माइनस पार्शल एफ बाय पार्शल पी जे पार्शल पी आई बाय पार्शल क्यू जे। और ये किस वक्त ये चीज वन होगी, ये वाली जब आई इक्वल टू जे होगा, ये चीज तो हमेशा जीरो ही रहेगी, दिस विल गो टू जीरो, सो इट इज इक्वल टू समेशन ओवर जे पार्शल एफ बाय पार्शल क्यू जे पार्शल पी आई बाय पार्शल पी जे इसके बराबर होगा, जो कि पार्शल एफ बाय पार्शल क्यू आई पार्शल पी आई बाय पार्शल पी आई के बराबर है विच इज इक्वल्स टू पार्शल एफ बाय पार्शल क्यू आई विच इज द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। ये आपने ली थी लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा जी, इसी तरह आप देख सकते हो क्यू आई क्यू जे के दरमियान रिलेशनशिप, पी आई पी जे की पॉइजन ब्रैकेट और क्यू आई पी जे की पॉइजन ब्रैकेट, ये थोड़ा सा करके भी देख लेते हैं। प्रूफ ऑफ नाइन, पहली चीज क्यू आई
क्यू जे की पॉइजन ब्रैकेट। अब हम समेशन ले लेंगे ओवर के, पार्शल क्यू आई बाय पार्शल क्यू के, पार्शल क्यू जे बाय पार्शल पी के, माइनस पार्शल क्यू आई बाय पार्शल पी के, पार्शल क्यू जे बाय पार्शल क्यू के, विच इज इक्वल्स टू पार्शल क्यू जे बाय पार्शल पी के जीरो हो जाएगा। इसी तरह पार्शल क्यू आई बाय पार्शल पी के भी जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस जीरो इक्वल टू जीरो। ठीक है जी। अब नाइन का सेकेंड आप देखो, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ पी आई एंड पी जे, इट इज इक्वल टू समेशन ओवर के, पार्शल पी आई बाय पार्शल क्यू के, पार्शल पी जे बाय पार्शल पी के, माइनस पार्शल पी आई बाय पार्शल पी के, पार्शल पी जे बाय पार्शल क्यू के। अब पार्शल पी जे बाय पार्शल सॉरी पार्शल पी आई बाय पार्शल क्यू के भी जीरो हो जाएगा, और पार्शल पी जे बाय पार्शल क्यू के भी जीरो हो जाएगा। ये जो मर्जी रहेगी, जो मर्जी रहे हमें क्या, जीरो माइनस जीरो इक्वल टू जीरो। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी में जी पहले क्यू है बाद में पी है, क्यू आई और पी जे की पॉइजन ब्रैकेट। ठीक है जी, वो क्या है, समेशन ओवर के, पार्शल क्यू आई बाय पार्शल क्यू के, पार्शल पी जे बाय पार्शल पी के, माइनस पार्शल क्यू आई बाय पार्शल पी के, पार्शल पी जे बाय पार्शल क्यू के। और ये किसके बराबर हुई, समेशन ओवर के। अच्छा जी, पार्शल क्यू आई बाय पार्शल पी के जीरो होगा, इसी तरह पार्शल पी जे बाय पार्शल पी के भी जीरो होगा, और जीरो इंटू जीरो भी जीरो होगा। तो ये सिर्फ इस टर्म की तरफ रिड्यूस हो गया, इस टर्म के बराबर आ गया, पार्शल क्यू आई बाय पार्शल क्यू के, पार्शल पी जे बाय पार्शल पी के। और ये इसके बराबर हो गया जी, ये उसी सूरत में एग्जिस्ट कर सकता है अगर i इक्वल टू k हो और j इक्वल टू k हो। और वो कब होगा, ये विच वुड बी इक्वल टू वन व्हेन i इक्वल टू k इक्वल टू j, और जीरो कब होगा अदरवाइज। अब i इक्वल टू k इक्वल टू j का यहाँ पे क्या सीन हो सकता, कि अगर मैं लिखूं जीरो अदरवाइज। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसका मतलब क्या है कि ये जो क्यू आई पी जे है, एक आपने पढ़ा है वेक्टर एनालिसिस में क्रॉनिकल डेल्टा, डेल्टा आई जे, और डेल्टा आई जे की क्या प्रॉपर्टी है कि जब आई और जे बराबर होते हैं तो डेल्टा आई जे वन के बराबर होता है, जब आई नॉट इक्वल टू जे होता है तो ये जीरो के बराबर होता है। अगर नहीं पढ़ा हुआ तो आप वेक्टर टेंसर जब आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये सारा कुछ आ जाता है। आप यकीनन मैकेनिक्स वेक्टर टेंसर पढ़ के आए हुए, तो ये जो डेल्टा आई जे है ये क्रॉनिकल डेल्टा कहलाता है, क्रॉनिकल डेल्टा। और इसकी ये वैल्यूज हैं कि अगर ये वन हो कब होगा, जब आई इक्वल टू जे होगा, अदरवाइज जब आई जे के इक्वल नहीं है तो ये जीरो के बराबर है। तो क्यू आई पी जे डेल्टा आई जे के बराबर आ गया विद दिस प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉनिकल डेल्टा। नेक्स्ट थिंग इज जैकोबीज आइडेंटिटी, इस चीज को जैकोबीज आइडेंटिटी कहते हैं। ये स्पेशल पॉइजन ब्रैकेट्स की आइडेंटिटी है और प्रॉपर्टी है। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसका प्रूफ देते हैं। सबसे पहले तो प्रूफ में सबसे पहले मैं फर्स्ट टर्म को डिस्कस करूंगी, एफ जी एच किसके बराबर आ गया, ये है जी समेशन, अगर मैं आई के ऊपर लूं, पार्शल एफ बाय पार्शल क्यू आई, पार्शल बाय पार्शल पी आई ऑफ जी एच पॉइजन ब्रैकेट। अब मैं एक वाला पार्ट खोल रही हूं, माइनस पार्शल एफ बाय पार्शल पी आई, पार्शल बाय पार्शल क्यू आई ऑफ पॉइजन ब्रैकेट ऑफ जी एच अगेन। और ये किसके बराबर है, समेशन ओवर आई,
पार्शियल एफ बाय पार्शियल क्यू आई, पार्शियल बाय पार्शियल पी आई, जब इसकी अगली की पॉइजन ब्रैकेट को खोलोगे तो समेशन जे पार्शियल जी बाय पार्शियल क्यू जे, पार्शियल एच बाय पार्शियल पी जे, माइनस पार्शियल जी बाय पार्शियल पी जे, पार्शियल एच बाय पार्शियल क्यू जे आ गया, माइनस पार्शियल एफ बाय पार्शियल पी आई, पार्शियल बाय पार्शियल क्यू आई, बीच में फिर ये पॉइजन ब्रैकेट आ जाएगी। और यहाँ पे ब्रैकेट एंड होती है स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा जी, ये इसके बराबर है जी, समेशन आई और समेशन जे, और अंदर क्या आ जाएगा, अंदर आठ टर्म्स आएंगी, पार्शियल एफ बाय पार्शियल क्यू आई, आठ भी नहीं बल्कि 16 टर्म्स आ जाएंगी। इसके साथ एक तो आ जाएगा पार्शियल स्क्वायर जी बाय पार्शियल पी आई, पार्शियल क्यू जे, पार्शियल एच बाय पार्शियल पी जे, दो टर्म्स इसकी आ गई, प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल क्यू आई, पार्शियल जी बाय पार्शियल क्यू जे, पार्शियल स्क्वायर एच बाय पार्शियल पी आई, पार्शियल पी जे, माइनस पार्शियल जी बाय पार्शियल पार्शियल एफ बाय पार्शियल क्यू आई, पार्शियल स्क्वायर जी बाय पार्शियल पी आई, पार्शियल पी जे, पार्शियल एच बाय पार्शियल क्यू जे, माइनस पार्शियल एफ बाय पार्शियल क्यू आई, पार्शियल जी बाय पार्शियल पी जे, पार्शियल स्क्वायर एच बाय पार्शियल पी आई, पार्शियल क्यू जे। माइनस साइन के साथ ये बहुत ही लंबा एक्सप्रेशन आ रहा है, और उसके बाद फिर इन सारी टर्म्स को ऐड भी करना है। अभी तो मैं बस लिखे जा रही हूँ, पार्शियल एफ बाय पार्शियल पी आई, पार्शियल जी बाय पार्शियल क्यू जे, पार्शियल स्क्वायर एच बाय पार्शियल क्यू आई, पार्शियल पी जे, माइनस और माइनस प्लस, पार्शियल एफ बाय पार्शियल पी आई, पार्शियल स्क्वायर जी बाय पार्शियल क्यू आई, पार्शियल पी जे, पार्शियल एच बाय पार्शियल क्यू जे, प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल पी आई, पार्शियल जी बाय पार्शियल पी जे, पार्शियल स्क्वायर एच बाय पार्शियल क्यू आई, पार्शियल क्यू जे। ये जो थे 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स आ गई पहली ब्रैकेट के लिए, नंबर 1 इसको मैंने नाम दे दिया। इसी तरह मैं दूसरी ब्रैकेट खोलूंगी और फिर तीसरी ब्रैकेट खोलूंगी, जी एच एफ। जब मैं ये ब्रैकेट खोलूंगी तो समेशन आई पार्शियल जी बाय पार्शियल क्यू आई, पार्शियल बाय पार्शियल पी आई ऑफ समेशन जे, मैं इकट्ठी दोनों ब्रैकेट खोल रही हूँ, आप वैसे वन बाय वन करके खोलिएगा, ये ना हो गलत हो जाए, मैं तो खोल सकती हूँ, मेरी तो प्रैक्टिस है, इसलिए आपकी तो अभी नहीं है ना। और ये जब आप खोल लोगे तो आपके पास क्या टर्म्स आएंगी, समेशन आई समेशन जे, मैं वो आठ टर्म्स लिख देती हूँ, पार्शियल जी बाय पार्शियल क्यू आई, पार्शियल स्क्वायर एच बाय पार्शियल पी आई, पार्शियल क्यू जे, पार्शियल एफ बाय पार्शियल पी जे, प्लस पार्शियल जी बाय पार्शियल क्यू आई,
partial h by partial qj, partial square f by partial pi, partial pj, minus partial g by partial qi, partial square h by partial pi, partial pj, partial f by partial qj, minus partial g by partial qi, partial h by partial pj, partial square f by partial pi, partial qj, minus partial g by partial pi, partial square h by partial qi, partial qj, partial f by partial pj, minus partial g by partial pi, partial h by partial qj, partial square f by partial qi, partial pj, plus partial g by partial pi, partial square h by partial qi, partial pi, oh sorry, pj, pj yani, or partial f by partial qj, plus partial g by partial pi, partial h by partial pj, partial square f by partial qi, partial qj. अच्छा ये आ गया, ओवरऑल ये सारी ब्रैकेट आपकी बन गई. और इसी तरह जब आप आखिरी ब्रैकेट खोलोगे एच एफ जी, तो उससे भी आपके पास ऐसी ही टर्म्स आएंगी, समेशन आई समेशन जे, पार्शियल एच बाय पार्शियल क्यू आई, पार्शियल स्क्वायर एफ बाय पार्शियल पी आई, पार्शियल क्यू जे, पार्शियल जी बाय पार्शियल पी जे, partial h by partial qi, partial f by partial qj, partial square g by partial pi, partial pj, minus partial h by partial qi, partial square f by partial pi, partial pj, partial g by partial qj, minus partial h by partial qi, partial f by partial pj, partial square g by partial pi, partial qj, minus partial h by partial pi, partial square f by partial qi, partial qj, partial g by partial pj, minus partial h by partial pi, partial f by partial qj, partial square g by partial qi, partial pj, plus partial h by partial pi, partial square f by partial qi, partial pj, partial g by partial qj, plus partial h by partial pi, partial f by partial pj, partial square g by partial qi, partial qj. ये आ गई जी टर्म. अब इसमें से हम देखते हैं कि जी पार्शियल जी बाय पार्शियल पी आई, एक टर्म जरा आप गौर कीजिएगा, पार्शियल जी बाय पार्शियल पी आई, पार्शियल एच बाय पार्शियल पी जे, पार्शियल स्क्वायर एफ बाय पार्शियल क्यू आई, पार्शियल क्यू जे, ये वाली टर्म और ये नेगेटिव में टर्म I और J के इंटरचेंज के बाद, क्योंकि I भी 1 से N तक है, J भी 1 से N तक है, तो ये दोनों को चेंज भी किया जा सकता है. तो ये दोनों टर्म्स एक बराबर हो गए, ये और ये कैंसिल हो जाती हैं. इसको मैं वैसे तो ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है, तो सम अप करेंगे तो इसको मैं फर्स्ट टर्म का नाम देती हूँ जो कैंसिल हो रही है. ठीक है, उसके अलावा आप और देखिए, और देखेंगे इसके अलावा, अब और देखिए, और देखें तो मेरे पास और कोई टर्म कैंसिल हो रही है, पार्शियल एच बाय पार्शियल क्यू आई, पार्शियल जी बाय पार्शियल क्यू जे, ये वाली टर्म, इसको मैं नंबर 2 का नाम दूंगी. और ये अगर आप देखो क्यू आई और क्यू जे वाला, क्यू आई और क्यू जे वाला, ये वाली टर्म, ये भी दोनों में एक जैसी है, दिस इज नंबर 2, ये और ये कैंसिल आउट हो. अच्छा जी, उसके अलावा जी यहाँ पे कोई और ऐसी टर्म है,
जी एच वाली टर्म्स में नहीं है। अच्छा इसमें पार्शियल स्क्वायर एफ बाय पार्शियल क्यू आई, पार्शियल पी जे, पार्शियल एच बाय पार्शियल पी आई है और पार्शियल जी बाय पार्शियल क्यू जे है। तो पार्शियल जी बाय पार्शियल क्यू जे और पार्शियल एच बाय पार्शियल पी आई, ये इस टाइप की कोई टर्म मेरा ख्याल होगी। यहाँ पे ये टर्म देखें और ये टर्म देखें, ये तो सेम ही है ना। दिस इज नंबर थ्री एंड दिस इज नंबर थ्री, इट वुड बी कैंसल बिकॉज इट इज विद माइनस साइन एंड दिस वन विद प्लस साइन। अच्छा जी उसके बाद आप देखिए कि जी ये वाली टर्म जो है इसके साथ की भी कोई ना कोई होगी इसके अंदर, पार्शियल स्क्वायर एफ वाली कोई और है, ये है, ये टर्म जो है ये इसको कैंसल आउट कर रही है। दिस इज नंबर फोर एंड दिस वन इज आल्सो नंबर फोर, सो आई वुड कैंसल इट एंड देयर वुड बी अनदर टर्म। चार टर्म इधर से कैंसिल हो गई, अब चार जो हैं वो पीछे से कैंसिल होंगी, पार्शियल एच बाय पार्शियल क्यू आई, पार्शियल एफ बाय पार्शियल क्यू जे, पार्शियल एच बाय पार्शियल क्यू आई और पार्शियल एफ बाय पार्शियल क्यू जे वाली टर्म, ये देखें पार्शियल जी ओवर पार्शियल पी आई पी जे विद नेगेटिव साइन है, ये फिफ्थ टर्म है और दिस वुड बी कैंसल्ड विद दिस थिंग, दिस इज द फिफ्थ टर्म विच इज कैंसल्ड आउट। नाउ द सिक्स्थ टर्म क्यू आई एंड पी जे, दिस इज द सिक्स्थ टर्म, पार्शियल एच बाय पार्शियल क्यू आई एंड पार्शियल एफ बाय पार्शियल पी जे, दिस इज द सिक्स्थ टर्म एंड इट वुड बी कैंसल आउट, द सिक्स्थ टर्म इज कैंसल्ड। दिस वन इज लेट अस से द सेवन्थ टर्म, पार्शियल एच बाय पार्शियल पी आई, पार्शियल एफ बाय पार्शियल पी जे और जी के नीचे दोनों क्यूज, दिस इज द सेवन्थ टर्म एंड इट इज कैंसल्ड विद दिस टर्म एंड दिस वन इज लेट अस से इट इज द एट्थ टर्म, एच के नीचे पी आई, एफ के नीचे क्यू जे, एच के नीचे पी आई और एफ के नीचे क्यू जे, एच के नीचे पी आई और एफ के नीचे क्यू जे, एच वाली टर्म भी और कोई देखो 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 ये है, दिस वन इज द एट टर्म एंड इट इज ऑल्सो कैंसल्ड आउट, दिस इज ऑल्सो कैंसल्ड आउट। और उसके बाद जी अगली टर्म्स की तरफ जाएं, पार्शियल जी बाय पार्शियल क्यू आई, पार्शियल एफ बाय पार्शियल पी जे, दिस वन लेट अस से इट इज द नाइन्थ टर्म, और ऊपर जाएं पार्शियल जी बाय पार्शियल क्यू आई, पार्शियल एफ बाय पार्शियल पी जे, पार्शियल जी बाय पार्शियल क्यू आई, पार्शियल एफ बाय पार्शियल पी जे, दिस वन इज द नाइन्थ टर्म विच हैज बीन कैंसल्ड आउट बाय दिस टर्म, और पार्शियल जी पार्शियल पी आई, पार्शियल एफ पार्शियल क्यू जे, पार्शियल जी पार्शियल पी आई, पार्शियल एफ पार्शियल क्यू जे, दिस इज द टेन्थ टर्म विच कैन बी कैंसल्ड विद द हेल्प ऑफ दिस टर्म, दिस इज द टेन्थ टर्म एंड इलेवेंथ वन with partial g by partial pi, partial f by partial pj with negative sign and here with positive sign, so it has been cancelled out with this and this is the 12th term with negative sign over here and a positive sign over here, this one is 12th and this is also, this has been cancelled, so when we will sum up 1 plus 2 plus 3 we will get F G H Poisson brackets plus Poisson bracket of G with Poisson bracket of H F plus Poisson bracket of H with Poisson bracket of F G, this is equals to 0 which is equals to the right hand side of
the equation, and hence it is proved. Now something different, that Hamilton's equation of motion, उनकी भी पॉइजन ब्रैकेट के लिहाज से एक्सप्रेशन बन सकते हैं और ये एक्सप्लिसिट कोऑर्डिनेट फ्रेम में डिस्कस हो सकते हैं. अब अगर हम कहते हैं कि एफ क्यू पी टी इसके लिहाज से एक फंक्शन है स्पेस में, क्यू जनरलाइज कोऑर्डिनेट है और सिर्फ एक है, पी जनरलाइज मोमेंटम है और सिर्फ एक है, टी टाइम है, तो मल्टीवेरिएट चेन रूल के लिहाज से अगर आप देखो तो पार्शियल एफ बाय पार्शियल पी, पार्शियल पी बाय पार्शियल टी, प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल क्यू, पार्शियल क्यू बाय पार्शियल टी, प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल टी बनता है. ठीक है जी. और ये अगर आप देखो तो इक्वल टू एफ एच प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल टी है. क्यों? इसलिए कि यहाँ पे थोड़ा सा आप गौर करें कि डी एफ बाय डी टी, हमें पता है कि एफ फंक्शन ऑफ क्यू पी और टी है. पार्शियल एफ बाय पार्शियल क्यू, क्यू डॉट, प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल पी, पी डॉट, प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल टी है. और क्यू डॉट किसके बराबर है? पार्शियल एफ बाय पार्शियल क्यू. क्यू डॉट किसके बराबर है? हमें पता है कि पार्शियल एच बाय पार्शियल पी के बराबर होता है. इसी तरह पार्शियल एफ बाय पार्शियल पी, पी डॉट, पी डॉट हमें पता है कि ये माइनस पार्शियल एच बाय पार्शियल क्यू के बराबर होता है. इसकी वैल्यूज पुट कर दो, प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल टी. और जब ये वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास आएगा पार्शियल एफ बाय पार्शियल क्यू, पार्शियल एच बाय पार्शियल पी, माइनस पार्शियल एफ बाय पार्शियल पी, पार्शियल एच बाय पार्शियल क्यू, प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल टी. और ये अगर आप देखो तो ये क्या है? एफ और एच की पॉइजन ब्रैकेट, और बाकी जो है हिस्सा पार्शियल एफ बाय पार्शियल टी वो एज इट इज आ गया. तो इस तरह हम हैमिल्टन इक्वेशन में पॉइजन ब्रैकेट्स को लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं? क्यू एच इक्वल टू पार्शियल एच बाय पार्शियल पी होता, पी डॉट पी एच का पॉइजन ब्रैकेट होता. अब ये देखेंगे ये कैसे लिखना है, इसका प्रूफ देख लेते हैं. एक तो क्यू डॉट इक्वल टू क्यू एच और पी डॉट इक्वल टू पी एच, ये हमने प्रूफ देना है इसका. ठीक है जी, प्रूफ. अच्छा जी, लेट अस कंसिडर क्यू एच, द पॉइजन ब्रैकेट ऑफ क्यू एंड एच. इट वुड बी पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल क्यू, पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी, माइनस पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल पी, पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू, एंड दिस थिंग इज जीरो, दिस वन इज वन, सो इट वुड बी इक्वल टू पार्शियल एच बाय पार्शियल पी विच इज इक्वल टू क्यू डॉट. सेकेंड, कंसिडर द पॉइजन ब्रैकेट ऑफ पी एंड एच, एंड दिस वुड बी पार्शियल पी बाय पार्शियल क्यू, पार्शियल एच बाय पार्शियल पी, माइनस पार्शियल पी बाय पार्शियल पी, पार्शियल एच बाय पार्शियल क्यू. दिस वुड बी, दिस थिंग वुड गोज टू जीरो, दिस वुड गो टू वन, पार्शियल एच बाय पार्शियल क्यू विद नेगेटिव साइन, एंड दिस इज इक्वल टू पी डॉट ऑफ हैमिल्टन. एंड इन द लास्ट that we can say that df by dt is partial by partial t minus h dot f, where f is any function. We can write as the expression we have derived in this form. f ko aap bahar nikal lo aur ye sara ka sara jo aapka operator hai ye f pe apply ho raha hai, is lihaz se hum isko discuss kar sakte hain. और इसके साथ जी हमारा लेसन ख़त्म हुआ है. लेसन हमारा आज का क्या था? पॉइजन ब्रैकेट और लैग्रांज ब्रैकेट से मुतल्लिक था. उसमें सबसे पहले हमने क्या किया जी, लैग्रांज ब्रैकेट ले ली और उसको देख लिया, उसकी प्रॉपर्टीज़ देख ली. और लैग्रांज ब्रैकेट को सिर्फ हमने इसलिए उसकी बात की है क्योंकि ये पॉइजन ब्रैकेट से उसके एंसेस्टर्स में से है. शुरू लैग्रांज ने लैग्रांज ब्रैकेट के तौर पर दिया और उसके बाद उसे फिर हमने पॉइजन ब्रैकेट्स निकाल ली. और पॉइजन ब्रैकेट्स क्योंकि हैमिल्टोनियन थ्योरी के ऊपर बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल हैं और ये जो है हमारे कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स इससे भी डील करती हैं, जो हमने आगे पढ़ना है इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे. तो फिर हमने पॉइजन ब्रैकेट से डील किया, पॉइजन ब्रैकेट की सारी हमने प्रॉपर्टीज़ देखी हैं और उसको डिस्कस किया है, उसके प्रूफ दिए हैं. एक का प्रूफ मैंने नहीं दिया है जो आपने खुद देना है. तो इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग
ये कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, इसका हिसाब किताब देखेंगे कैसा होता है, क्या होता है. तो डेट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.